दोस्तों, डॉन ब्रैडमैन को कौन नहीं जानता है, जो क्रिकेट के बादशाह है। लेकिन 5 जून ये तारीख क्रिकेट इतिहास में काफी अहमियत रखती है, क्योंकि इस दिन उस गेंदबाज का जन्म हुआ था जिसने अपने करियर में 2323 विकेट लिए थे। लेकिन वो सिर्फ एक विकेट की वजह से क्रिकेट इतिहास में अमर हो गया, और वो क्रिकेट था सर डॉन ब्रैडमैन का। जब इस गेंदबाज ने ब्रैडमैन को उनकी आखिरी पारी में शून्य पर आउट किया था, जिसकी वजह से ब्रैडमैन टेस्ट क्रिकेट में 100 की औसत बनाने से एक कदम दूर रह गए थे। दोस्तों, उस गेंदबाज का नाम है एरिक हॉलिस, जिन्होंने ब्रैडमैन को उनकी आखिरी पारी में शून्य पर आउट किया था। इंग्लैंड के पूर्व लेग स्पिनर एरिक हॉलिस, जिनकी आज 108वीं जयंती है। एरिक हॉलिस एक लेग स्पिनर थे जिन्होंने 1935 में इंग्लैंड के लिए डेब्यू किया था। हॉलिस ने अपने करियर में महज 13 टेस्ट खेले और उन्होंने 44 विकेट चटकाए। एरिक हॉलिस ने करियर में 2323 विकेट जरूर झटके, लेकिन उन्हें 1948 में खेले गए ओवल टेस्ट के लिए जाना जाता है। ये क्रिकेट के महानतम बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन का आखिरी मैच था, और उन्हें टेस्ट क्रिकेट में 100 की औसत पूरी करने के लिए सिर्फ 4 रन बनाने थे। लेकिन हॉलिस की गुगली ने ब्रैडमैन को दूसरी ही गेंद पर बोल्ड कर दिया, और उनका टेस्ट करियर 99.94 की औसत पर समाप्त हो गया। इस मैच में ब्रैडमैन दूसरी पारी में इसलिए बल्लेबाजी करने नहीं आ पाए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच पारी से जीता था। दोस्तों, ब्रैडमैन को 100 की औसत से रोकने के बाद हॉलिस का करियर ज्यादा लंबा नहीं चला। हॉलिस ओवल टेस्ट के बाद सिर्फ 6 और मैच खेल पाए। 2 मुकाबले उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले और 4 टेस्ट मैच में वो न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेले। हॉलिस का करियर भले ही 13 टेस्ट मैचों में ही सिमटा हो, लेकिन वार्क विशर के लिए उन्होंने 19 में से 14 काउंटी सीजन में 100 से ज्यादा विकेट लिए, जो कि एक रिकॉर्ड है। दोस्तों, क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।